And welcome to Vinita Chauhan's Madam's online library and information science classes. आपको जैसे पता ही है कि हर सैटरडे हम 100 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स का क्विज फ्री में स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो आज से ये क्विज सिर्फ सैटरडे नहीं पर 24 घंटा सातों दिन आपके लिए अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, हमने 100 क्वेश्चंस सितंबर 28 को डाले, अक्टूबर 5th को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, अक्टूबर 11 हिंदी एंड इंग्लिश दोनों. हम हर सैटरडे को इसमें 100 क्वेश्चन की क्विज डालने वाले हैं. ये क्विज अलग अलग टाइप की होगी, ऑप्शन बेस्ड होगी, किसी में आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने रहेंगे. ओवरऑल हम आपकी प्रिपरेशन करवाना चाह रहे हैं ताकि आप अपने आप को मेजर कर सके वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ RSSB. आपकी RSSB की तैयारी किस तरीके से चल रही है, कितनी हो गई, आप अपने आप को का खुद का असेसमेंट कर सके, उसके लिए हम ये क्विज लाए हैं. एक आपको एग्जाम्पल दूंगी, अगर आपका लॉगिन ID ऑलरेडी बना है, आपको सिंपली लॉगिन करना है, 100 क्वेश्चंस एंड 50 मिनट्स वाले कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको फ्री वाली क्विजेस नीचे दिखेगी. इसमें आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने हिंदी वाले में क्लिक किया. अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं ये क्विज, तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा जहाँ पे आप अपना अटेम्प्ट किया हुआ क्विज रिव्यू कर सकते हैं. आप सिर्फ हर ID को एक ही अटेम्प्ट करना अलाउड है. तो अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है तो आप उसके बाद सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं. रिव्यू यानी आप देख सकते हैं कि जो आपने अटेम्प्ट किया कितना सही गलत था. फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन मैंने ये आंसर सिलेक्ट किया था जो कि गलत था और सही आंसर ये है. तो इस हिसाब से आप पूरा ये कोर्स देख सकते हैं. चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करें. तो जैसे ही आप क्विज को क्लिक करेंगे, अटेम्प्ट क्विज नाउ आएगा. ये अगेन एक पॉपअप मैसेज है जो बोलेगा कि 50 मिनट है आपके पास. जैसे ही आप स्टार्ट अटेम्प्ट दबाते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है. मैंने स्टार्ट दबाया, अब मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर देना चालू करें. आपको अच्छे से पढ़ के सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है. ये सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के लिए मैं रैंडमली आंसर सिलेक्ट कर रही हूँ. इस टाइप से ये पूरे 100 क्वेश्चंस आपने दिए, फिनिश अटेम्प्ट दबाया. फिनिश जैसे ही दबाया तो वो आपको बता देता है कि आपने 5 क्वेश्चन के आंसर करे, बचवे क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करे. क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? मैंने लिख दिया यस, मैं फिर भी सबमिट करना चाहती हूँ, एंड सबमिट ऑल एंड फिनिश. जैसे ही ये करा, आपने ये सब रेड है, यानी मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं. अगर ग्रीन होता तो ये उतने आंसर सही होते. तो मुझे 100 में से अभी 0 मार्क्स हैं. यहाँ आंसर गलत था, जो सही आंसर है ये नीचे लिखा आ जाता है. इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन के रिव्यू कर सकते हैं. ये रिव्यू आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं. रिव्यू आपके लिए हमेशा खुला रहेगा जब तक ये क्विज वाला प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं. और पर ये क्विज अब आप और नहीं ले सकते. अगर मैं वापस चाहूँ कि मैं ये क्विज लूँ तो यहाँ मुझे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा. बट जो क्विज ले ली है, मैं उसमें सही और गलत जवाब देख सकती हूँ. हम पूरी कोशिश करते हैं कि 150 क्वेश्चन के 100% राइट आंसर हो. बट कभी कभी हो सकता है एक या दो क्वेश्चन के आंसर हमारी तरफ से गलत आ गए. बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी मिस्टेक के ये क्विज हम चलाएं. इन केस फिर भी अगर एक दो आ जाता है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करें, हम यहाँ उसे हम हमारी गलती को सुधारेंगे. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप ये क्विजेस कभी भी ले सकते हैं और नेक्स्ट नए 100 क्वेश्चंस हम सैटरडे को डालेंगे. ऑल द बेस्ट.